अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और ये देखिए मेरी कुकिंग स्टार्ट हो गई है। भिंडी फ्राई हो रही है क्योंकि आज मैं भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाने वाली हूँ खाने में। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरे किचन में थोड़ा सा काम हो रहा है, तो बस ये तोड़ फोड़ हो गई है और अभी कारीगर आ जाएंगे वापस से। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह खाना बना लेती हूँ ताकि फिर मुझे ना किचन नहीं मिलने वाला है। और ये सारा सामान देखिए हॉल में, यानी हालत हो गई है घर की, सारी चीज़ें बिखरी हुई है। और मुझे आप लोगों को पता है कि छुट्टी होने के बावजूद है ना, मुझको ऐसा लगता है कि छुट्टी है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँ। तो बस मैं गई मार्केट और मैंने मटर ला लिए थे ताकि इसे छील के मैं फ्रीज़र में रख दूँ। और फिर ये जो मौसम के जो मटर होते हैं ना, ये सस्ते भी होते हैं और क्वालिटी में भी अच्छे होते हैं। और ये है नेक्स्ट डे। कल जो है ना, कारीगर को काम करते करते रात के 11 बज गए थे और आज थी हमारी स्कूल, क्योंकि क्रिसमस हॉलीडे सिर्फ एक दिन की थी मेरी। हमारी स्कूल में क्रिसमस हॉलीडे नहीं होती है। और शाम में आते ही ना मैं लग गई थी काम में, क्योंकि इस तरह अगर किचन बिखरा हुआ रहता है ना तो मुझे तो बहुत ज़्यादा उलझन होने लगती है। तो बस मैंने काम अपना स्टार्ट कर दिया। ये टब में मैंने पानी ले लिया है, उसमें थोड़ा सा डाल दिया हैंड वॉश। और पहले मैं जो है ना किचन की वॉल सारी क्लीन करूँगी, क्योंकि काम थोड़ा सा ही हुआ है लेकिन मिट्टी इतनी उड़ी है ना कि ऐसे लग रहा है कि हर एक चीज़ मिट्टी में डूब गई है। तो मैंने सोचा कि अब जब क्लीन करना ही है तो अच्छी तरह से पूरी किचन को क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ से अपना काम स्टार्ट किया है। पहले मैंने सबसे पहले ना जो वॉल्स है उसे अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, क्योंकि जब ये मौका मिला है सफाई का तो मैंने सोचा कि एक ही बार, ये बार बार किचन जो है ना वॉल तो इतने ऊपर चढ़ के नहीं हो पाता है, तो नीचे नीचे से तो हम डेली ही कर लेते हैं सफाई। लेकिन मैंने आज सोचा कि आज तो मैं ना पूरे वॉल वगैरह भी अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। और ये देखिए वॉल अच्छी तरह से क्लीन हो गई है, चमक रही है सारी वॉल। और ये सारा जो सामान था ना, ये भी मैंने पोछ पाछ के अच्छी तरह से रख दिया और हर एक चीज़ पे अच्छी खासी मिट्टी थी। ये मेरा एक लौता छोटा सा कैबिनेट है जिसमें मैं अपनी प्लांट्री रखती हूँ, इसे भी मैंने बाहर बाहर से ही गीले कपड़े से क्लीन कर लिया, अंदर से क्लीन नहीं किया है क्योंकि इतना वक्त नहीं था। आजकल अंधेरा भी बहुत जल्द हो जाता है, मगरिब भी हो जाती है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं बाहर बाहर से हर एक चीज़ जो है ना वो क्लीन कर देती हूँ और फिर धीरे धीरे हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सा जो है ना क्लीनिंग करते रहूँगी, तो एक एक करके मेरा सारा काम जो है वो निपट जाएगा। इसलिए मैंने जो ये कैबिनेट वगैरह है ना वो बाहर से ही क्लीन किए। अब ये जो मेरा किचन काउंटर के सामने वाला एक ये छोटा सा काउंटर है, उस पर भी सारी चीज़ें जो थी ना उसे मैंने समेट ली, हटा दी। और ये जो है ना इसके ऊपर मेरा जो मिक्सर वगैरह ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ, लेकिन यहाँ पे इतनी गंदगी थी तो इसे पहले मुझे क्लीन करना था और फिर क्लीन करके जो है ना मैं अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज करूँगी। एक्चुअली क्या है ना कि हमारी बिल्डिंग का जो रिनोवेट हो रहा है, रेनोवेशन का काम हो रहा है, तो ये जो है ना थोड़ा सा काम हमको भी किचन का करवाना था। तो मेरे शौहर का ये कहना था कि वैसे भी काफ़ी डस्टिंग होती रहती है तो लगे हाथों ये भी काम कर देते हैं ताकि जो है ना जितनी भी धूल मिट्टी उड़नी है वो एक ही टाइम हो जाएगी। लेकिन क्या है कि ये जो संडे और मंडे की हमको छुट्टी मिली है उसी में हमको ये काम करवाना था, क्योंकि घर में कोई होता नहीं है तो कौन देखता और कौन करता, इसलिए ये छुट्टी में जो है ना हमने ये काम करवा लिया ताकि भले ये जो साफ़ सफाई का काम है वो थोड़ा थोड़ा करके होता रहेगा, लेकिन ये जो काम करवाना था इसमें हमारे घर में रहना, हम लोगों का रहना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हम लोगों ने ना ये काम निकलवाया। अदरवाइज़ हम लोगों का तो बिल्कुल भी मूड नहीं था कि कुछ काम निकलवाएँ, क्योंकि
ले दे के एक या दो बस छुट्टी मिलती है हफ्ते में, और वो दिन भी ऐसा होता है कि हम लोगों का काम में ही निकल जाता है। तो आराम की तो सोचना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर यही सोचते रहेंगे तो फिर ये सारे काम तो कभी भी निपटने वाले नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ये काउंटर टेबल जो है ना वो क्लीन हो गया है, और अब मैं ये सारी चीज़ें जो इस काउंटर पे रहती हैं वो सब अरेंज कर दूँगी, और सारी चीज़ों को है ना मैंने अच्छी तरह से क्लीन किया है, धोया है। जो इलेक्ट्रिक सामान है उसको तो मैं धो नहीं सकती, लेकिन ये जो रैग वगैरह है उसे मैंने अच्छी तरह से धो के क्लीन कर लिया, ताकि सामान जो है ना उसमें फिर अच्छी तरह से अरेंज हो और किचन जो है ना मेरा साफ सुथरा नज़र आए। अब काउंटर टेबल के बाद बारी थी फ्रिज की, तो फ्रिज भी जो है ना किचन में ही रखा हुआ है, तो पूरा मिट्टी में भरा हुआ था, तो इसे भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। अंदर से नहीं किया है, सिर्फ बाहर बाहर से ही किया है, सिर्फ बाहर बाहर से चीज़ों को क्लीन करने में और पूरे किचन को सेट करने में ही ना काफ़ी टाइम हो गया था, रात के तकरीबन 10 बज गए थे। तो आज तो मैंने वैसे भी मॉर्निंग में कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि किचन इतना डिस्टर्ब था कि वहाँ पे कुकिंग करना जो है ना वो पॉसिबल नहीं था, और शाम में भी जो है ना मैंने फिर बाहर से ही खाना मंगवा लिया, ताकि मैं ये काम जो है ना आज अपने पूरा कंप्लीट करना चाहती थी, कुछ भी नहीं रखना चाहती थी, ताकि मैं कल जो है ना बड़ी आसानी से कुकिंग कर सकूं और खाना वगैरह तैयार कर सकूं। क्योंकि किचन एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर ज़रा भी डिस्टर्ब हो तो पूरा दिमाग जो है ना उसी की तरफ रहता है, और दिल नहीं करता है, मन नहीं करता है कि कुछ और किया जाए, बस ऐसे लगता है कि कब हमारा किचन सेट होगा और कब जो है ना हमारी रूटीन पे लाइफ आ जाएगी और हम जो है घर में खाना बना के अपने फैमिली को खिला सकेंगे। तो बस ये इस तरह से आज की जो मेरी शाम है वो गुजरी है, पूरा टाइम मैंने लगा दिया है किचन की क्लीनिंग में, और इसे ही सेट करते करते मैं इतनी थक गई थी ना कि लास्ट में ये मसाले के जार जो है ना मुझको क्लीन करने थे, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इसको खाली करके फिर जार को धोऊं, तो मैंने ना ऊपर ऊपर से ही इसे धो दिया, और ये देखिए इसका रैक वगैरह भी ऐसे ही क्लीन कर दिया। बस ये जो है ना लास्ट फाइनल था कि बस अब मेरा जो किचन है ना पूरी तरह से सेट हो गया था, और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। अगर आपको ज़रा सा भी मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और अब मैं बताती हूँ अपने किचन का फाइनल लुक, और जो काम हुआ है ना वो भी दिखाती हूँ। एक छोटी सी वॉल थी जो वहाँ पे स्लाइडिंग थी, और बस वो वॉल को हमने तोड़ा है। ये देखिए इस सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एक वॉल थी और बस इसे तोड़ के हमने एक गैलरी जैसे बना लिया है। तो बस इतना सा काम हुआ है और घर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। तो यही है ज़िंदगी, और ये सब कुछ चलता रहता है। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।